हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिए, जायगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए सिंगल सेल विच देन डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो। जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपके मेल गैमेट थे और फीमेल गैमेट थे वो आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए तो जायगोट फॉर्म किया। यूजुअली वो स्टार्टिंग में सिंगल सेल था, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो बाद में धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। इनिशियल सेल डिवीजन ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस एट द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जैसे हमने देखा था फर्टिलाइजेशन में आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से जो जायगोट है उसमें सेल डिवीजन स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में, आफ्टर विच द एम्ब्रियो मूव्स टू द यूट्रस एंड गेट इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। धीरे धीरे जो एम्ब्रियो रहता है वो यूट्रस की वॉल्स में इम्बीड हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। टू इनेबल इम्प्लांटेशन यूट्रस गोज थ्रू मैनी चेंजेस। जब इम्प्लांटेशन होता है तो यूट्रस में काफी सारे चेंजेस आते हैं, वन ऑफ विच इज इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो इंडोमेट्रियम रहती है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनसाइड द यूट्रस। जो एम्ब्रियो रहता है वो यूट्रस के अंदर डेवलप होना स्टार्ट कर देता है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम फॉर्मिंग ऑर्गन्स, और धीरे धीरे उसमें ऑर्गन्स फॉर्म होने लगते हैं, हैंड्स, हेड, लेग, आई एटसेट्रा, सारी चीजें फॉर्म होने लगती है। अब देखिए, जब ये फीटस आपका डेवलप पूरा होगा तो इसको पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ रिक्वायरमेंट्स, नरिशमेंट की जरूरत होती है। जो नरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस प्रोवाइडेड बाय द मदर, मदर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एक कनेक्शन डेवलप होता है जिस कनेक्शन का नाम होता है बेटा प्लेसेंटा, और यही प्लेसेंटा रहता है जिसकी वजह से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स फीटस तक सप्लाई होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा इज ए ऑर्गन दैट कनेक्ट द डेवलपिंग बेबी एंड द मदर। मदर और डेवलपिंग बेबी को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लेसेंटा इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। इस स्ट्रक्चर से ही आपको, मतलब फीटस को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। और फीटस की बॉडी में जितने भी वेस्ट डेवलप होते हैं वो भी यहीं से रिमूव किए जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। देखिए, फिर जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जब वो अलग अलग सारे पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके हैंड, लेग, ठीक है, हेड, ठीक है, जब ये सारे अलग अलग दिखाई देने लगेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? फीटस। यूजुअली इट टेक्स अराउंड 38 वीक्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन साइड द यूट्रस इन ह्यूमन। ह्यूमन्स में एटलीस्ट 38 वीक्स लगते हैं, ठीक है। When the development is complete, जब development complete हो जाती है, mother gives birth to baby को birth देती है। देखिए बेटा, ये है inside the womb, a baby is shown। देखिए, ये देख रहे हैं, this is placenta, and ये है आपका umbilical cord, ठीक है। इसी के through ये placenta और जो आपका fetus है या उसको connect करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेजेस की बात करते हैं रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में। स्टेजेस की जब बात करते हैं कैसे कैसे होता है, देखिए, मेल से मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, जब फ्यूज होगा तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद वो सिंगल सेल रहेगा और धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और वही जायगोट धीरे धीरे किसमें? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद जब उसके पूरे कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स आपके अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो किस फीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन अ लेडी विल गिव बर्थ टू दैट बेबी। ओके, देखिए, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में तो अलग अलग कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, अब इसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ द सेल। ग्रोथ का मतलब क्या है? साइज में इंक्रीज होना और उसमें जितनी नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है उनमें इंक्रीज होना। इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट कुड बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग स्टेजेस, ठीक है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, किस किस में डिवाइड की जाती है? फर्स्ट इज इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या होता है?
दिस स्टेज स्टार्ट एज सुन एज द चाइल्ड इज बॉर्न. जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है तभी स्टार्ट होती है. इट लास्ट टिल द एज ऑफ 2 ईयर. 2 ईयर तक लास्ट करती है इन्फेंसी. 2 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं. द ग्रोथ अगर रैपिडली इन दिस स्टेज, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही होती है. द इन्फेंट लर्न वेरियस एक्टिविटीज. इसमें क्या कौन सी, बैठना, चलना, ठीक है, खड़े होना, यही सारी एक्टिविटीज इसमें स्टेज में सीखा जाता है. नेक्स्ट इज चाइल्ड. 2 से लेकर 12 ईयर तक की जो एज है उसको उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड. सिग्निफिकेंटली फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. बहुत सारे फिजिकल चेंजेस चेंज हो रहे, फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं बच्चे में. दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय इंटेलिजेंस एंड सोशल ग्रोथ. बच्चा इंटेलिजेंट होता है और सोशली अपने आप को ग्रो करता है. द ग्रोथ अकर्स एट द स्टेडी रेट. बहुत तेजी से ये हो रहे होते हैं. एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलसेंस की बात करें, एडोलसेंस मीनिंग टू ग्रो अप, बढ़ना. इट इज पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ का पीरियड है. वेयर द बॉडी अंडरगो चेंजेस दैट लीड टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. देखिए, जो आपका एडोलसेंस, ये ग्रोन अप के लिए, जब आपका कोई भी बच्चा है वो कंप्लीटली ग्रो हो जाए, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाए, ठीक है, यही वो स्टेज होती है इसके बाद, ठीक है. और ये 11 से स्टार्ट होती है और 18-19 तक रहती है, ठीक है. इट इज ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा. प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है. तो प्यूबर्टी क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है. मैनी चेंजेस कैन बी सीन अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है. बच्चों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. कुछ उसमें से नीचे है. इन बॉयज एट प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स विच इज लारिंक्स कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट एंड इज कॉल्ड एडम एप्पल. थ्रोट के पास में एडम एप्पल बाहर की तरफ ग्रो होने लगता है. वो इसलिए क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है उसका साइज इंक्रीज, ठीक है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सब्सिक्वेंट ग्लैंड सब्सिक्वेंस ग्लैंड इज द रीजन वाई सम पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स एंड द प्यूबर्टी. देखिए, जो स्वेट ग्लैंड है या और भी उसकी जो आपकी सब्सिक्वेंस ग्लैंड हैं उनमें उनकी जो रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है. वो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कुछ लोगों में एक्ने और पिंपल देखने को मिलते हैं इस एज में. द गर्ल्स डेवलप द ब्रेस्ट एंड रोडिंग ऑफ हिप्स डिस्टेंस. देखिए, गर्ल्स में ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना और हिप्स का ब्रॉडन होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं. देखिए, ये जो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ बॉयज में होते हैं, ये सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये दोनों में होते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉयज में बात करें, जो वॉइस की पिच है वो लोअर हो जाती है, शोल्डर, उनके कंधे ब्रॉडन होने लगते हैं, टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म, टेस्टिस से स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, फेशियल हेयर मोस्टैक ब्रेडेड वगैरह जो है, ठीक है, हेयर ऑन चेस्ट अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. गर्ल्स में बात करें, हाई पिच्ड वॉइस होती है, हिप्स भी ब्रॉडर होने लगते हैं, ओवरीज इनलार्ज होने लगती है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. और सेम जो आपके प्यूबिक हेयर्स हैं और जो ग्रोथ एंड ड्रॉप्स वगैरह वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो बोथ में होती है, दोनों में, दोनों की वॉइस चेंज हो जाती है, हाइट चेंज हो जाती है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है. स्वेट ग्लैंड्स और सब्सिक्वेंस जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनमें डेवलप होने लगते हैं, ठीक है. हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स. द वेरियस फीचर्स दैट अपीयर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. जो बहुत सारे फीचर्स आप में डेवलप हो रहे होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अनलाइक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स, दीज फीचर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन बट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग मेल एंड फीमेल. दे कैन कॉज बाय हॉर्मोन्स रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. हालांकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, बट फिर भी मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है. और ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि दोनों में हॉर्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, ठीक है.
ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बॉयज में देखने को मिलती है, जैसे पिच चेंज होना, बॉयज की बॉडी को मस्कुलर होना, शोल्डर बड़े हो जाना, ठीक है, जेनाइटल्स के लेंथ में इंक्रीज होना, ठीक है, ये सारे हेयर ग्रोथ होना जो आपके आर्मपिट प्यूबिक रीजन या फिर फेस की बात करते हैं, ठीक है, सेम गर्ल्स में देखने को मिलता है। वॉइस जो है हाई पिच की हो जाती है, हिप्स ब्रॉडर होने लगते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगती है एंड प्यूबिक रीजन एंड जो आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। फ्रॉम इट्स अब इट इज क्लियर दैट सम ऑफ द चेंजेस एट द प्यूबर्टी आर कॉमन टू द बॉयज एंड गर्ल्स वाइल सम आर यूनिक, ठीक है, यूनिक चेंजेस आर ड्यू टू द चेंज इन हॉर्मोन रिलीज बाय बॉय एंड गर्ल। कॉमन है वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, यूनिक चेंजेस होते हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि दोनों में हॉर्मोन्स अलग अलग रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो एडोलसेंस फेस करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।